हेलो गाइस गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जॉब बता दूं। जो ये जॉब मैं वीडियो जब बना रहा था, बनाने के बाद ये जॉब मेरे पास पहले से ही थी, लेकिन इसकी डिटेल मैं वीडियो बना चुका था उसके बाद मेरे को मिली है। तो मैंने सोचा इसी वीडियो में इस जॉब को भी डाल देता हूँ। गाइस, अगर आप ड्राइवर हैं, आपके पास इंडियन लाइसेंस है, तो आपके लिए बहुत परफेक्ट है ये। अगर आप मुंबई में हैं तो ये काम ज़्यादा टाइम तक रुकेगा नहीं, आज और कल तक आप मुझसे मिल सकते हैं मेरी ऑफिस में। दोस्तों, ये काम है डिलीवरी ड्राइवर का, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं सऊदी के अंदर, उनका उनके लिए ड्राइवर का काम है। इसकी सैलरी है 1400 रियाल, और डिलीवरी ड्राइवर में आपको पता होगा कि इसमें टिप वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। 1400 सैलरी भी आप ध्यान मत दो, इसमें टिप वगैरह आपको बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें फ्रेशर भी चलेगा, कोई लोचा वाली बात नहीं है कि मुझे मतलब रिटर्न ही चाहिए। तो अगर आप मुंबई में हैं और अगर आप ड्राइवर हैं, आपके पास इंडियन लाइसेंस है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1400 रियाल सैलरी है और डिलीवरी का काम है, फूड वगैरह डिलीवर करना है। ये काम की डिटेल आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल है, मैं आपको देता हूँ सारी डिटेल। आप अगर आप मुंबई में हैं तो आप आके मुझसे मुलाकात करो ऑफिस पे, आज करो कल करो, लेकिन जो भी करना थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट वीडियो देखो आप। इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत से जॉब मिलेंगे, हेल्पर के और भी बहुत सारे जॉब मैंने दिया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके। हेलो गाइस, मेरा नाम है मुजीब और आप देख रहे हैं वीज़ा सेक्शन। गाइस, इंटरव्यू अलबैक रेस्टोरेंट का बहुत ही शानदार हुआ और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए और बहुत सारे लोग चालाकी में सेलेक्ट नहीं हुए। चालाकी मतलब कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो रेफरेंस बताना चाहिए, चाहे आप मेरा रेफरेंस बताओ या जिसका भी बताओ, जिसके थ्रू आप जा रहे हो उसका रेफरेंस बताओ। और अगर आप ये बताएंगे मैं यूट्यूब से आया हूँ, यूट्यूब से वीडियो देख कर आया हूँ, तो ये क्या रेफरेंस लिखा जाएगा? क्योंकि ऑफिस में आप जिसके रेफरेंस से जाते हैं उसकी ज़िम्मेदारी होती है आपको आपका सारा काम करवाने की। तो इसके लिए आप रेफरेंस बताओ। आप ये ना समझो कि मैं आप डायरेक्टली जा रहा हूँ ऑफिस में तो मेरा पैसा कम हो जाएगा या और भी जो भी चीज़ें हैं। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप डायरेक्टली ऑफिस में जाते हो तो भी आपको 5-6 हज़ार का ही फ़र्क आएगा अगर मेरा वीडियो देखकर जाते हैं तो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलबैक रेस्टोरेंट के बारे में वापस से। इसका इंटरव्यू दोबारा से होने वाला है। लखनऊ में 17-18 को इंटरव्यू हुआ और सक्सेस हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। अभी जो नेक्स्ट इसका इंटरव्यू की डेट अभी मेरे पास आई नहीं है, मुंबई में और कोलकाता में कब होने वाला है, 15 से 20 दिन के अंदर मुंबई और कोलकाता में भी होगा। आप इस रेस्टोरेंट के बारे में मुझसे बात नहीं करके, आपका कोई जानने वाला अगर सऊदी में रहता है तो आप उससे बात करो कि ये रेस्टोरेंट किस टाइप का है, कैसा रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट अच्छा है, 1000 सैलरी कम लग रही है आपको, लेकिन आप ऊपर से अगर पर डे अगर आप ओवर टाइम या टिप मिलाकर 15 से 20 रियाल भी कमाते हैं तो महीने का 400 से 600 रियाल होता है। तो 1000 प्लस 400 ही जोड़ो आप, कम से कम जोड़ो तो 1400 रियाल हो गई। प्लस आपको 10 टोकन मिल रहे हैं फूड के लिए, आपको महीने भर में 10 टोकन भी मिल रहा है खाने के लिए। वो सारी डिटेल जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी जिनका सिलेक्शन हो चुका लखनऊ के अंदर, जो भी नहीं हुआ वो दोबारा से बोल रहे हैं, तो दोबारा से नहीं हो सकता भाई, और अगर होगा तो दोबारा से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपकी जो कमी है उसको सही करके वापस से जाके इंटरव्यू दो। अब आपको या तो मुंबई आना पड़ेगा या कोलकाता जाना पड़ेगा, डेट मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो अपने पास आज का काम है वो काम है हशी बाशा रेस्टोरेंट करके है कोई सऊदी अरबिया दम्माम में, जिसकी सैलरी है 800 प्लस 300, मतलब 1100 रियाल सैलरी देगा। टोटल 1100 रियाल सैलरी है, एज कम से कम 21 से 35 हो,
इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, इसमें 30 ही लिखा है, मेरे पास जो मेल आया उसमें 30 लिखा हुआ है। दूसरा, इसमें 10 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम भी है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश यस नो वाली आनी चाहिए। ईसीआर ईसीएनआर पासपोर्ट का कोई मैटर नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ मैंने बताने में कमी की है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगा, बस दो ही तरीके से मुझे कांटेक्ट करो। कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस का भी काम रहता है। इसके अलावा जो अपने पास काम है, मंजिल अल्दाना गेस्ट हाउस है अभा में, मंजिल अल्दाना गेस्ट हाउस अभा के अंदर है, जिनको 3 लेबर चाहिए क्लीनिंग के लिए, जिसकी ड्यूटी है 12 घंटा, जिसकी सैलरी है 1100 रियाल। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट ईसीएनआर ही चाहिए, थोड़ा गुड लुकिंग हो, फ्लाइट मुंबई से ही होगी और फ्लाइट 10 दिन के अंदर ही करना है, और कॉन्ट्रैक्ट इसमें 2 साल का नहीं 3 साल का रहेगा, 3 साल से पहले आप वापस नहीं आ सकते। इसके अलावा का जो काम है, पैकिंग हेल्पर का और हेल्पर का काम है दुबई के लिए, इसकी सैलरी वगैरह की डिटेल मेरे पास नहीं आई है, क्योंकि ये काम इंटरव्यू है कल मुंबई में। अगर आप इस काम के लिए मुंबई के अंदर हैं और एग्री हैं जाने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको इसका सैलरी वगैरह सब डिटेल से बता दूंगा। अभी मेरे पास आई नहीं है, मैं आपको बता दूंगा इसकी सारी डिटेल, कितने घंटे की ड्यूटी, कितनी सैलरी, क्या काम रहेगा, वो सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा लास्ट काम जो अपने पास है, ये मैकेनिकल हेल्पर का काम है, ये मैकेनिकल हेल्पर है दुबई के लिए, जिसकी सैलरी है 700+200 यानी 900 रियाल सैलरी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम आपको मिलेगा, ओवर टाइम भी आपको मिलेगा, और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। पासपोर्ट इसमें डिटेल लिखी हुई नहीं है, ईसीआर है कि ईसीएनआर है, लेकिन आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको सारी, इसकी भी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। अगर ये काम भी आपके मतलब का है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये था आज का वीडियो का काम। दोस्तों, जो भी काम के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, इसमें लेट बिल्कुल मत करो। सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले आप मेरे वीडियो की अपलोडिंग डेट चेक करा करो कि किस डेट को मैंने वीडियो डाला है। वीडियो की डेट से 1-2-3 दिन तक ही आप मुझे कॉल करो, उसके बाद कॉल करके फ़ायदा नहीं, काम इतना टाइम तक रुकता नहीं है, काम को बहुत टाइम तक नहीं रुकता। तो इसलिए जो भी करना है जल्दी करना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। यही था आज की वीडियो का काम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें हमेशा। और कोई भी अगर आपको काम और चाहिए, वैसे तो ज़्यादातर हेल्पर ड्राइवर वगैरह की वीडियो मैं बनाता हूँ, ऑफिस बॉय टी बॉय और बाइक ड्राइवर, हाउस ड्राइवर की, हाउस ड्राइवर का भी काम मेरे पास आया हुआ है। रिटर्न, एक सेकंड, वो भी मैं बता देता हूँ। हाउस ड्राइवर चाहिए रियाद के लिए, 1200+200 मतलब 1400 रियाल सैलरी है, इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा काम है अपने पास हाउस ड्राइवर, 1700 रियाल सैलरी है, सऊदी लाइसेंस एक्सपायर या वैलिड होना चाहिए। इसका डिटेल आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल मैं बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।